रसगुल्ला ढिंका चिका 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 बल्ले बल्ले आई शवा शवा आई बल्ले बल्ले आई शवा शवा। ओहो ये क्या है? पंजाबी खाना, बंगाली खाना, गुजराती खाना, क्या बात है? तुमने अलग अलग राज्य के गेस्ट को इनवाइट किया है क्या? वो क्या है ना ससमा, हमारी सोसाइटी में नए पड़ोसी आए हैं, मिस्टर और मिसेस खली, तो मैंने उनको खाने पर बुलाया है। अच्छा, तो उनकी फरमाइश होगी? ना ना ससमा, अब वो क्या है ना ससमा, अब मुझे थोड़ी पता होगा कि उन्हें कौन सा खाना ज्यादा पसंद होगा, इसीलिए सब बना दिया। अच्छा, अरे फिर तो तुम्हें तमिल, राजस्थानी, मराठी, बिहारी, इन सब राज्यों का भी खाना बनाना चाहिए था, और उन्हें पता भी चलता कि हमारे घर में एक पागल भी रहता है। सुषमा? तो क्या? जा। ओह, आइए, 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 पधारो। जय अंबे। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। आओ, आओ, आओ बैठ, आओ। मेहता हाउस। मिसेस खली जी, मैं सुषमा। एक मिनट। नमस्ते। अनसुईया जी, मेहता जी, सुषमा, मिसेस खली जी। समझ गई। और मिस्टर खली, आपके पति तो बाहर रह गए, मैं बुला के लाती हूँ। तुम वैसे हो? बस थोड़ा और इंतजार करो, फिर उसे मैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यहां मैं जानता भी कोई नहीं है। आखिर हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो जाएगा। अम्बे मां, कहीं अपनी पत्नी का खून करने की बात तो नहीं कर रहे थे ना? आप भी साथ में बैठ जाइए, मैं कुल्फी लाता हूँ। हाँ हाँ महेश जी, आप भी हमारे साथ बैठिए, खाइए। मही, अगर आपको सर्व नहीं करेगी, खाना नहीं परोसेगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि खाना इसने बनाया है? आपको पता है, नेता होने के नाते मैं अक्सर अलग अलग राज्यों के डिशेस खाती रहती हूँ, लेकिन आज आप लोगों की वजह से मेरे घर के सदस्यों को अलग अलग राज्यों की स्पेशल डिश खाने को मिल रही है। अनसुईया जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। थैंक यू। अरे लेकिन आपकी वाइफ इतना डर के खाना क्यों खा रही है मिस्टर खली? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मैं कहां डर रही हूं, असल में ये शर्मा रही। आपसे मिलकर बहुत खुश हुई, अब हमें आगे दीजिए। मिसेस खली जाते जाते रो क्यों रही थी? हाय बेचारी, वो तो ऐसा ही सोच रही होगी ना कि हमारे साथ उनका ये अंतिम मिलन है, क्योंकि कल शायद वो बचे या ना बचे। अम्मे माँ, अम्मे माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अब भी उनका पति उनका गला दबा रहा हो? नहीं, सागर जी, सागर जी, सागर जी, जल्दी उठिए, मिस्टर खली मिसेस खली का गला दबाने वाले। क्या बात कर रही हो? हाँ। चलो चलो, एक मिनट भाई, ये तुम्हें कैसे पता चला? अरे रात को वो लोग जब खाने पर आए थे ना, तब मुझे शक हुआ। शक? मतलब ना कोई फोन आया ना कुछ, बस शक के बिना पर तुमने मुझे रात के 1 बजे उठा दिया ये कहकर कि मिस्टर खली अपनी पत्नी का कत्ल करने वाले हैं। हाँ हाँ सागर जी, मैं सच कह रही हूँ, मिसेस खली की जान खतरे में है। वही तुम्हारे शक की वजह? बस थोड़ा और इंतजार करो, फिर उसे मैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यहां मैं जानता भी कोई नहीं है। आखिर हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो जाएगा। नहीं मही, ये तुम्हारा वहम है।
नहीं नहीं सागर जी, ये सारी बातें मिसेस खली को पता थी, तभी तो बेचारी रोते रोते हमारे घर से बाहर जा रही थी, क्योंकि शायद वो तो ऐसा ही सोची होगी ना कि हमारे साथ उनका ये अंतिम मिलन है। लेकिन वही मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। देखिए सागर जी, अभी हमें उनके घर चलना चाहिए, क्या पता शायद हम ऐसे वक्त पर पहुंच जाए कि वो अपनी पत्नी का गलत दबाने ही वाला होगा, लेकिन हमें देखते ही मिसेस खली की जान बच जाए। ओहो मही, ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम बेकार में उनके प्यार के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बने। हाँ चलो सो जाओ सो जाओ। ना कोई चीखने की आवाज सुनी ना चिल्लाने की, बस बीच रात में मुझे झकझोर कर उठा दिया कि मिस्टर खली अपनी पत्नी का कत्ल करने वाले। कमाल है मही। सागर जी, आप मिस्टर खली को जानते नहीं, बहुत शातिर आदमी है वो ना तो अपनी पत्नी को चीखने देगा ना ही चिल्लाने देगा, सीधा गला ही दबा देगा। ये क्या कर रहा है? वही तुझे देख रही है, इसलिए मैं तेरा खून करने वाला। बचा, बचा। ये पूछ के क्या नहीं बिगाड़ा? ठीक है, क्या नहीं बिगाड़ा? तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला था, लेकिन तेरी वजह से कर नहीं पाया। जब तू नहीं रहेगी तो मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, कोई नहीं। मैं जानता था तू उसे बजाने जरूर आएगी, लेकिन बहुत देर कर दी, मैं इसे खत्म कर चुका हूं, और अब मही तेरी बारी। अरे क्या हुआ मही? कुछ नहीं सागर जी, बस एक बुरा सपना देखा, सो जाइए। सागर जी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे,